सर्कल राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है, उससे पहले अभी फिर से विधानमंडल दल की और जितने घटक दल है सबकी बैठक बुलाई गई है। दिन में क्या कुछ रहा था बैठक में और अभी क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, हमारे हम पांचों विधायक, हमारे 6 गो विधायक हैं, 1 गो जेल में हैं, 5 गो हम लोग सामने हैं, और हमारे प्रत्याशी हम लोगों को बताया गया कि संजय सेठ हैं, आप समझ सकते हैं। हाँ, तो हम लोगों को उन्हीं वोट देना है। दिल्ली से लेके लखनऊ तक हलचल तेज है, समाजवादी पार्टी में छेद है। सुबह जो वार्ता का दौर था राजा भैया से, वो भी काफी सुखद रहा, क्योंकि वो भी हमने क्या कहा था, हम गए थे, टी पार्टी थी, चाय वो पिए, हालचाल हुआ, बात शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपसे पहले भी बात हुई थी, आज भी बात है, जहाँ आप तहाँ हम आए थे, यहाँ आए होंगे। यानी कि जो संख्या बल पे सवाल खड़े हो रहे थे, अब उस पर पूर्ण विराम लग चुका। कुछ है नहीं महाराज, बम्पर रोड से संजय सेठ जीतने जा रहे हैं। सिर्फ संजय सेठ की 8? अरे हम लोग जगह ठीका चले वो करके। तो सर एक और सवाल है ये, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे सीएम ने डिप्लोमेटिक डिनर पे बुलाया, वहीं पे समाजवादी पार्टी ने भी अपना एक डिनर रखा, अखिलेश यादव उसमें मौजूद रहेंगे, तो क्या लगता है कि डिनर डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है उत्तर प्रदेश में? अरे भाई, अब उनकी पार्टी है, उन अपने विधायकों को खिला पिला रहे हैं, हम लोगों की पार्टी है, हम लोग अपने विधायकों को खिला पिला रहे हैं, क्या दिक्कत है? वोटिंग तो नहीं हो जाएगी? ये क्रॉस वोटिंग होनी है, तो ये टीवी पे तो चल रहा है कि समाजवादी पार्टी को भय व्याप्त है, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया कि हमारे सांसद, हमारे विधायक लोग तैयार हैं एकदम। तो कुछ उनके विधायक जा रहे हैं आपके साथ? बहुत लोग आ रहे हैं, काउंटिंग होगी तो देखिएगा। बीएसपी किसके साथ जा रही है? हम लोगों के साथ। उमाशंकर का वोट आपके साथ है? सब कहां जाएगा। एक चीज एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।